हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सुरेंद्र आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल की, और आज के इस वीडियो में खास क्या है, क्या सिखाने वाला हूं, आइए आपको बताता हूं। देखिए, हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। एसक्यूएल में टेबल बनाना तो कोई नई बात नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। टेबल बनाना बहुत आसान है, तो चलिए एक बार टेबल बना लेते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा ये होगा कि टेबल बनाने के बाद, एसक्यूएल की मदद से टेबल बनाने के बाद, उस टेबल में हम चीजें जो लिखेंगे वो लोअर केस में लिखेंगे, लेकिन हमारी जो क्वेरी होगी वो उससे हमें अपर केस में कन्वर्ट करके देगी। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। यहाँ पर आए क्रिएट पर, क्रिएट पे आने पर क्वेरी डिजाइन में आ गए, और यहाँ से इसको ऑफ करके यहाँ से हम टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टेबल का नाम लिख देता हूँ, पहले मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, क्योंकि यही वो सिंटैक्स है जिसकी मदद से हम टेबल बनाने वाले हैं। ये क्रिएट टेबल लिख दिया, क्रिएट टेबल लिखने पर टेबल का नाम देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टमर टी, कस्टमर टी यानी कस्टमर के टेबल। तो ये लिख दिया कस्टमर टी, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ब्रैकेट को ओपन करने पर एंटर करके नीचे आएंगे, जैसे ही एंटर करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर अब हमें चीजों को देना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर कर देते हैं, ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर। ओके, नेम ऑफ कस्टमर देने पर क्या करना है, यहाँ पर देना है टेक्स्ट डेटा टाइप। नेम ऑफ कस्टमर टेक्स्ट डेटा टाइप का होगा, तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप दे दिया हमने। और यहाँ पर और भी कुछ दे सकते हैं, एज दे सकते हैं, तो एज जो है फ्लोट डेटा टाइप हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्लोट, ठीक है। तो ये फ्लोट डेटा टाइप यहाँ दे दिया हमने, और फ्लोट डेटा टाइप के देने के बाद यहाँ पर कॉमा रहेगा पहले वाले में, लास्ट वाले को कोई कॉमा नहीं रहता है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, समझ में बात आती ही होगी। तो यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया, बस यहाँ पर रन पे क्लिक कर दीजिए, कस्टमर की टेबल बन गई है, देख सकते हैं ये कस्टमर की टेबल है। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम देना है, जो भी कस्टमर का नाम होते हैं स्मॉल लेटर में एंटर करेंगे, कैपिटल में नहीं करेंगे। तो ये कर दिया स्मॉल में रितेश, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे 55 एज कर दिया, फिर यहाँ कर देते हैं राजेश, ठीक है, राजेश की जो एज है वो यहाँ पे डाल देते हैं 23। इसी तरीके से कर देते हैं यहाँ पे गौरव, तो गौरव की जो एज है वो यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे 33 कर दिया। इस तरीके से एज हमने डाल दिया, यहाँ पर इसको सेव करेंगे, जो क्वेरी हमने बनाई इसको सेव करेंगे, सेव करके इसको क्लोज करेंगे, जो हमने बनाया इसको भी सेव करके क्लोज कर देंगे, सबको सेव करके क्लोज कर दीजिए। अब एक नई क्वेरी बनानी है जिसकी मदद से हमें ये स्मॉल लेटर, ये लोअर केस अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से इसको ऑफ कर देते हैं, नई क्वेरी बना लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें सेलेक्ट का ही यूज करना है, ठीक है, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करना है। यहाँ पे ये सेलेक्ट लगा दिया हमने, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू केस, क्या लिखना है आपको, यू केस लिखना है, तो यू केस लिख दीजिए। यू केस लिखने पर क्या करना है, ब्रैकेट में क्या देना है हमें, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर हमने दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, तो यही हमें लिखना है क्वेरी में, ठीक है। तो यहाँ पर दे देते हैं नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर कस्टमर, तो ये दे दिया नेम ऑफ कस्टमर, और नेम ऑफ कस्टमर देने के बाद ब्रैकेट को करना है क्लोज, ठीक है। तो चलिए ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे बताना है एस, ठीक है, इसको कन्वर्ट किस में करना है, अपर केस, ठीक है, ये लिख दिया अपर केस। यहाँ पर बिना कोई गैप दिए आपको लिखना है नेम ऑफ कस्टमर, तो ये लिख दिया NAME नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर कस्टमर, तो ये हो गया नेम ऑफ कस्टमर। और नेम ऑफ कस्टमर देने के बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, कौन से टेबल से ये आएगा, तो वो मेंशन कर दीजिए। तो फ्रॉम हमारे टेबल का नाम क्या है, कस्टमर टी, तो बस कस्टमर टी यहाँ पे दे दीजिए, हो गया काम। बस ये जो लोअर केस में लिखा हुआ था, जो भी आपको मैंने लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोअर केस में सब लिखा हुआ है, रितेश राजेश गौरव, ये लोअर केस में लिखा हुआ है ना। ये क्वेरी टू बनाने का परिणाम क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर इसको टर्मिनेट करते हैं, और यहाँ से हम इसको रन करवा लेते हैं। तो ये रन करवा के आप देख सकते हैं कि सारा का सारा अपर केस में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं कि नहीं। कुछ और भी नाम हमने इसमें एंटर करवा दिए हैं जो कि स्मॉल लेटर में ही है, तो एक बार क्यों ना फिर से इस क्वेरी को रन करा दिया जो हमने बनाया है, ठीक है। इसको यहां से रन करवाने के लिए क्वेरी डिजाइन पर, और फिर यहां से रन करवाएंगे इसको, तो ये रन करवा दिया। बाकी के सारे नेम भी आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटल लेटर्स में हो गए हैं। तो ये वो तरीका है, ये वो क्वेरी है जिसकी मदद से आप एसक्यूएल में स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं इजिली। तो उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिलहाल, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।